एक बार की बात है, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था। एक बल्लेबाज बैटिंग कर रहा था और उसने एक करारा छक्का लगाया। गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर फ्लैट गिरी, लेकिन जो दर्शक वहां मौजूद था उसे गेंद लग गई। ऐसे में वो बल्लेबाज पिच से दौड़ता हुआ सीधा बाउंड्री पर जा पहुंचा और उस पार कूद कर उस फैन का हाल जानने पहुंच गया। उस बल्लेबाज के इस कारनामे ने हर फैन का दिल जीत लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा सच में हुआ था, पहली और आखिरी बार। आपने अक्सर फैंस को बॉल लगते हुए देखा होगा, सुना होगा, लेकिन कोई खिलाड़ी खुद भागकर उनके पास जाए ऐसा नहीं देखा होगा। मगर एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि ग्राउंड पर बेहद जोशीला, बैटिंग में काफी अग्रेसिव रहता है, मगर जब बात इंसानियत की हो तो वो काफी दयालु हो जाता है। जरा सोचिए वो कितना जिंदा दिल क्रिकेटर होगा। दोस्तों, क्रिकेट में ऐसे बड़े कम खिलाड़ी हुए हैं जो किसी भी नंबर पर खेल सके, किसी भी रोल में ढल सके, कहीं भी फील्डिंग कर ले, जब जरूरत हो तो गेंदबाजी कर सके और जब ग्लव वर्क की बारी है तो विकेट कीपिंग में भी जौहर दिखा सके। सच कहूं तो यही ऑलराउंड शब्द की परिभाषा है। हरफन मौला खिलाड़ी इसी को कहते हैं, जो कि कभी भी टीम के लिए कुछ भी कर सके। सिर्फ बैटिंग बॉलिंग ही नहीं, ऐसे प्लेयर्स का हर टीम सपना देखती है, क्योंकि ये प्लेयर नहीं जैकपॉट होते हैं। अरे हाँ, जैकपॉट से कुछ याद आया है, एक जबरदस्त विंटर सेल चल रहा है जहां आप आईफोन 15 जीत सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है ना? चलिए दोबारा सुन लीजिए, आईफोन 15 सिर्फ 1 रुपए में। कैसे, हम आपको आगे बताएंगे, तो वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा। ऐसा ही एक ड्रीम प्लेयर न्यूजीलैंड की टीम को नसीब हुआ है, नाम है ग्लेन फिलिप्स, जिसका तोड़ आज के समय में किसी भी टीम किसी भी गेंदबाज के पास नहीं है। बल्लेबाज उसकी तरफ गेंद मारने से डरते हैं और जब वो बॉलिंग करे तो डिफेंसिव होने लगते हैं, और उसकी बैटिंग के वक्त फील्डर कैच कम, हवा में कूदते ज्यादा दिखते हैं। आज के समय के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में नाम आता है ग्लेन फिलिप्स का। जो एक बार टिक जाएं तो अकेले मैच निकाल ले जाते हैं, एक्स फैक्टर का परफेक्ट डेफिनेशन। लेकिन जितना एक्साइटिंग ये क्रिकेटर है, उसे कहीं ज्यादा रोचक है इनकी कहानी, कैसे एक क्रिसमस गिफ्ट ने इन्हें एक क्रिकेटर बना दिया, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो ग्लेन फिलिप्स का जन्म 6 दिसंबर 1996 को साउथ अफ्रीका के ईस्ट लंदन शहर में हुआ। 5 साल की छोटी उम्र में ही इनका पूरा परिवार न्यूजीलैंड माइग्रेट हो गया, जहां इन्होंने सेक्रेड हार्ट कॉलेज से अपनी स्कूली तालीम हासिल की। फिलिप शुरू से ही एक ट्रू एथलीट रहे हैं, एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जो कि हर चीज बड़ा दिल लगाकर करते हैं, पढ़ाई हो या बाकी एक्टिविटीज, फिलिप्स हर सब्जेक्ट में पूरी जी जान झोंक देते हैं। अब क्योंकि इनके पेरेंट्स हॉकी के शौकीन थे, तो ये भी स्कूल लेवल पर हॉकी और फुटबॉल खेला करते थे। लेकिन एक दिन क्रिसमस पर इनके पिता ने इन्हें क्रिकेट बैट थमा दिया, इन्हें वही क्रिकेट से प्यार हो गया, कुछ इस तरह क्रिकेट ने इन्हें चुन लिया। फिलिप्स की माने तो ये लव एट फर्स्ट साइट था। उस दिन के बाद से इन्होंने कभी हॉकी स्टिक नहीं छुई, यहीं से इन्होंने क्रिकेट में अपना करियर बनाने की ठान ली और बतौर टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बल्लेबाज खेलना शुरू किया। जूनियर लेवल पर इनका परफॉर्मेंस लाजवाब था, इनकी हिटिंग के बड़े चर्चे थे, फिटनेस का तो इन्हें पहले से ही बड़ा शौक था। कम उम्र से ही अपनी फिजिक पर काफी काम किया फिलिप्स ने। जितनी खूबसूरत इनकी फील्डिंग आज देखने को मिलती है, उसके पीछे उन्होंने काफी हार्ड वर्क किया है। एज ग्रुप क्रिकेट में धमाल मचाने वाले फिलिप्स ने अपने लिस्ट करियर का आगाज साल 2015 में 4 ट्रॉफी में किया। अगले वर्ष सुपर स्मैश कप में अपने घरेलू T20 करियर का भी डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में ओपनिंग करते हुए आतिशी 55 रन बनाकर फिलिप्स ने अपने टैलेंट का नजारा पेश किया। इस टूर्नामेंट के द हाईएस्ट रन स्कोरर रहे, जिन्होंने शतक भी जड़ा। इतनी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे फिलिप्स को 2016 में होने वाले U19 वर्ल्ड कप के लिए चुन लिया गया। इनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का ही नतीजा था कि सेलेक्टर्स के फेवरेट बने फिलिप्स, और साल 2017 फरवरी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में जब मार्टिन गुप्टिल चोटिल हो गए तो फिलिप्स को टीम में शामिल किया गया और इसी दौरे पर उन्होंने डेब्यू किया, मगर पहले मैच में बुरी तरह फ्लॉप रहे। 11 गेंदों में मैच 5 रन ही बना सके। इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकी शुरुआत उस लेवल की नहीं हो सकी, यही कारण है कि ये टीम से अंदर बाहर होते रहे। लेकिन यही तो इनकी सबसे बड़ी खासियत है, कभी भी हार न मानना। इन्होंने न्यूजीलैंड टीम में अपनी खोई हुई फॉर्म वापस पाई, लेकिन CPL में इनका परफॉर्मेंस नंबर 1 था। अपने पहले ही सीजन में फिलिप्स ने 457 रन ठोक दिए, वो भी 41 प्लस के एवरेज और 147 के स्ट्राइक रेट से। आखिरकार 2 साल बाद 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने कमबैक किया और यहां से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तो ऐसी वापसी की कि हर कोई इनका फैन हो गया। घरेलू सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने T20 करियर का पहला शतक चढ़ा और फिर बांग्लादेश के खिलाफ फिलिप्स ने एक मैच में अपनी जादुई फील्डिंग का भी खूब जलवा बिखेरा, और 100 में सरकार का एक हवाई शॉट जो कि नो मैन्स लैंड में जा रहा था, फिलिप्स इतना तेज दौड़ करके गए कि हवा में कूद करके वो कैच लगभग लपक ही लिया, चाहे वो ड्रॉप हो गया, मगर कैच ना होकर भी काबिले तारीफ एफर्ट हो गया। मैंने पहली बार किसी ड्रॉप कैच की भी इतनी तारीफ होते देखी। जब सब कुछ ठीक होने लगा तभी फिलिप्स की बैक में इंजरी हो गई। अब चोट के बाद उनका विकेट कीपिंग करना जरा मुश्किल हो गया, कोई और होता तो वर्कलोड मैनेज करने का रोना रोता, लेकिन ये तो फिलिप्स हैं। क्रिकेट के प्रति इनका जज्बा, वो प्यार जिसने उन्हें कुछ अलग करने को मोटिवेट किया, मजबूरी को इन्होंने
मौका बना दिया वो भी ऑलराउंडर बनने का, और इन्होंने ऑफ स्पिन गेंदबाजी करना शुरू किया। मौका तो खैर आपके पास भी है एक रुपए में आईफोन 15 जीतने का। उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करना है, और 14 दिसंबर को यानी कि कल होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच के लिए टीम बना लेनी है। टीम बनाना बहुत ही आसान है, बस दोनों टीमों से बेस्ट 11 प्लेयर चुनकर टीम बनाना है, और उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के दम पर आपको पॉइंट मिलेंगे। जितने ज्यादा पॉइंट उतना बड़ा इनाम। अब बस आपको गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, जहां एंट्री फीस केवल 1 रुपए है। अगर आप ये मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए। लेकिन अगर आप मेरे लिंक से माई 11 सर्कल डाउनलोड करेंगे तो आप 20% तक का एक्स्ट्रा कैश भी जीत सकते हैं। तो भाई देर किस बात की, अभी जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। फिलिप्स की गेंदबाजी बड़ी कारगर साबित हुई, वो हथियार जिसने न्यूजीलैंड को बड़ा फायदा पहुंचाया। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में फिलिप्स ने कैच ऑफ द डिकेड लिया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले मैच में उन्होंने मार्कस स्टोइनिस का एक अनबिलीवेबल कैच पकड़ा। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर को दिखाया कि महज एक स्लॉगर नहीं है, रिबिल्ड करने में भी माहिर है। श्रीलंका के खिलाफ 4 ओवर में महज 15 रन पर 3 विकेट से न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद नाजुक हुई। तब एंट्री हुई फिलिप्स की, इन्होंने केली दम पर मैच निकाल लिया, अपना दूसरा T20 शतक भी जमाया और हारी हुई बाजी जीत ली। T20 वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले वे ब्रेंडन मैकुलम के बाद दूसरे कीवी बने। साल 2023 के विश्व कप में वे न्यूजीलैंड के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए। ऐसे ऐसे स्पेल डाले जो कि स्पेशलिस्ट गेंदबाज भी नहीं डाल पाए। ऑस्ट्रेलिया वाला ही मैच देख लीजिए, जहां बोल्ट, हेनरी और फर्गुसन को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया, वहीं फिलिप्स ने न केवल 3 विकेट झटके बल्कि 10 ओवर में मात्र 37 रन दिए। कभी गेंद से तो कभी बल्ले से फिलिप्स ने अहम योगदान दिया, और इस वर्ल्ड कप के बाद फिलिप्स का एक नया रूप भी देखने को मिला। अब क्योंकि इनकी गेम बड़ी अटैकिंग और फ्री फ्लोइंग है तो हर किसी को ये भ्रम था कि ये सिर्फ व्हाइट बॉल के प्लेयर हैं, मगर फिलिप्स ने सबको गलत साबित करते हुए रेड बॉल क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया। वैसे तो उन्होंने 2020 में ही टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन हाल ही में इनकी बांग्लादेश सीरीज से रेड बॉल क्रिकेट में वापसी हुई है, और क्या ताबड़तोड़ वापसी हुई। जहां बाकी खिलाड़ी फेल हुए वहीं फिलिप्स ने टॉप किया। पहले टेस्ट में 5 विकेट निकाले, 42 रनों का कैमियो भी खेला, तो दूसरे टेस्ट में अपने दम पर न्यूजीलैंड को लो स्कोरिंग थ्रिलर भी जिता दिया, और सबको ये बता दिया कि फॉर्मेट कोई सा भी हो इनका अंदाज वही रहेगा। वे जितने अच्छे खिलाड़ी हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं, जो कि फैन को गेंद लगने पर खुद भागते हुए इसकी खबर लेने पहुंच जाते हैं। तो कभी टीम का मोरल अप करने के लिए हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहते हैं। ऐसे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे बड़े एक्स फैक्टर, सबसे खतरनाक खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स, जो कि इम्पॉसिबल काम भी आसान कर देते हैं। फिलिप्स ने अपने करियर में अब तक कुल 3 टेस्ट, 30 ODI और 65 T20 खेले हैं। करियर भले ही इनका भी छोटा है मगर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इस वक्त ये विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स में से एक है, जो कि कभी भी कहीं भी मुश्किल से मुश्किल कैच पकड़ सकता है, अविश्वसनीय बाउंड्री सेव कर सकता है। यही नहीं, क्रिकेट के अलावा ये बाकी भी काफी कुछ करने में सक्षम है, जैसे आर्चरी, सर्फिंग, हाइकिंग। इसके अलावा अपने कमरे में इन्होंने फ्लाइट सिमुलेटर लगाया हुआ है। फिलिप्स की माने तो क्रिकेट के बाद इनकी कमर्शियल पायलट बनने की तैयारी है। ये जनाब बाकी क्रिकेटर से अलग ही हैं, जो कि अपने फिटनेस पर भी काफी तवज्जो देते हैं। इनका शेड्यूल काफी मेहनत वाला है। 150 किलो पर बेंच प्रेस करते हैं तो 210 पर स्क्वैटिंग और 230 पर डेडलिफ्ट। इतना हार्ड वर्कआउट फिलिप्स किसी दूसरी दुनिया से ही आए लगते हैं, जिनमें लेस मात्र का भी घमंड नहीं है। खुद एक इतने टैलेंटेड खिलाड़ी होने के बावजूद भी इनका यह कहना है कि मैं सपने में भी स्काई जैसा नहीं खेल सकता, इस बात का सबूत है कि कितने डाउन टू अर्थ हैं। उम्मीद करते हैं कि ये हम सबको ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। इनका करियर और भी ऊंचाइयों को छुए और क्रिकेट के सबसे यादगार और महान खिलाड़ियों में इनकी गिनती हो। बाकी आपके पास भी गोल्डन चांस है आईफोन 15 जीतने का, वो भी 1 रुपए में। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल डाउनलोड करें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।